नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की यानी मतदान की तिथियां नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं। और ताज़ा घटनाक्रम ये है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नज़दीकी लोगों के यहाँ आयकर विभाग ने छापे में करोड़ों रुपये की संपत्ति बरामद की है। यही नहीं, सीएम के जो ओएसडी हैं प्रवीण कक्कड़, उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की गई है और वो तथा उनके सहयोगियों के यहाँ करोड़ों रुपए के नकदी और संपत्ति के बारे में आयकर सूत्रों ने खुलासा किया है। ये छापे जो मारे गए हैं उनको लेकर कांग्रेस का कहना ये है कि द्वेष भावना से की गई कार्रवाई है। वहीं बीजेपी का कहना ये है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, चुनाव की आचार संहिता लागू है और ऐसे में किसी भी विभाग पर किसी का दबाव नहीं है। वहीं अगर हम बात करें गुटबाजी की, तो बीजेपी में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है और जैसे जैसे प्रत्याशियों के चेहरे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे विरोध भी मुखर हो रहा है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और ये खंगालने की कोशिश करेंगे कि इन सब मुद्दों पर राजनीतिक दल क्या राय रख रहे हैं और जनता को किस तरह से अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। या आपसे ये सवाल अनिल जी कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या ये जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि द्वेष की भावना से है, वाकई ये सही है? नहीं, ये सब मीडिया में बराबर आता रहा है पिछले 3 महीने से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। तो उन्होंने देखा गया है कि तबादला उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इतनी बड़ी मात्रा में जब नकद मिलना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके माध्यम से हो रहा था। और उस कार्रवाई को आप राजनीतिक तौर पर क्यों देख रहे हैं? ये एक विभागीय कार्य है, वो हुआ उनके पास इंटेलिजेंस। पर ये अभी क्यों हुई कार्रवाई? वो पहले हो जानी चाहिए थी अगर अतीत हो। भाई सरकार बने कितने 3 महीने हुए हैं, तो 3 महीने में अंतिम दिनों का इंतजार कर रहे थे क्या? अंतिम दिन कहा है साहब अभी? हाँ, तो चुनाव आचार संहिता आप ही कह रहे हैं लागू हो गई। आचार संहिता लागू सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, सभी के लिए हुई है। इससे पहले भी कई नकदी पकड़ा है, चलती गाड़ियों में पकड़ा है सबको। उससे अपन राजनीति से थोड़ी जोड़ेंगे या अपन देश भावना से नहीं जोड़ेंगे। ये एक आपके पूरे मीडिया में ये खबर थी कि बहुत तेजी से फल फूल रहा था तबादला उद्योग और ये नकदी मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ इस मामले में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। बिल्कुल दुबे जी, अगर मैं राजनीतिक समीकरणों को समझना चाहूँ या फिर इस पूरे घटनाक्रम को लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में देखें हम या उसके प्रकाश में देखें, तो आप क्या मानते हैं ये कार्रवाई कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाती है? देखिए, आजकल जिस तरह के चुनाव होते हैं उसमें पैसे का बहुत उपयोग होता है। आज ईमानदार और गरीब आदमी को चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है और चुनाव के समय हर राजनीतिक दल फंड इकट्ठा करता है। और आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि जब नोटबंदी लागू हुई थी तो उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव थी कुछ ही महीने, एक आध महीने पहले ही वहाँ नोटबंदी जब लागू हुई देश में, तो मायावती और समाजवादी पार्टी एक तरह से टूट गए थे दल अंदर से, क्योंकि उनका जो सारा पैसा है वो ब्लैक मनी वो सब खप गया उस नोटबंदी के दौरान। और उसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा वहाँ 325 सीटें लेके आ गई। तो ये खैर, इसमें आप अपना दामन पाक साफ रखें, राजनीतिक हैं, कभी राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई करेंगे, कभी सही कार्रवाई करेंगे। इसमें ये पूरी तरह किसी को ऊपर कर देना कि राजनीतिक, यदि आप पाक साफ हैं तो फिर कौन क्या कार्रवाई कर सकता है? आज भी दोनों दलों में ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आप डाल दीजिए छापे, उनके समर्थन हो गए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अब राजनीति का दौर चला है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत आसान थी 15 साल की सत्ता बीजेपी की, यहाँ से हटाने के बाद लोकसभा चुनाव में 20 से ऊपर सीटें जीतने की योजना थी, उसका व्यवस्थित फंड भी हमें लगता है सब एकत्रित हुआ होगा इसके लिए प्रत्याशियों तक जाने के लिए। लेकिन इसके पहले ये छापा पड़ा तो ना केवल आर्थिक नुकसान हुआ और छवि बहुत धूमिल होगी, क्योंकि प्रवीण कक्कड़ सीएम हाउस में बैठ के, सीएम कार्यालय बैठ के निस्सचिव थे कमलनाथ जी के, और कमलनाथ जी की छवि साफ सुथरी थी, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरह से लगातार तबादला उद्योग की बातें चल रही थी, शिवराज सिंह, गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष सब लगा रहे थे, तो मुझे लगता है कि अभी ये कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी हो सकता है ऐसे दस्तावेज सामने आए और जिसमें ये सिद्ध करेंगे लोग
ये सब कैसा तबादलों का है, इनके हिसाब देना पड़ेगा प्रवीण कक्कर जी को या मेघनाथ जी को, जिनके पास भी मिल रहे पैसे की कैसे आए कहाँ से, बल्कि अपने बिजनेस के पैसे है, ये बहुत लंबी कार्रवाई है। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में इसके संदेश की बहुत बड़ी बात होती है, एक संदेश चला गया कि सरकार किस तरह काम कर रही थी, यदि ये उनके पास पैसे थे तो उन्होंने इसका रिटर्न भरा कि नहीं भरा, कि किस मामले में नकद रखना आजकल संभव नहीं है, खासकर नोटबंदी के बाद और डिजिटल पेमेंट के बाद इतना सारा पैसा मिलना, वाकई में कांग्रेस के लिए सर मुड़ाए होने पड़े जैसी बात है कि अब चुनाव के एन वक्त पर और उस इलाके में मालवा इलाके में जहाँ वैसे ही पार्टी संकट में रहती है और इस समय जब भाजपा वहाँ अंतर विरोधों से जूझ रही थी उसके लिए नई एनर्जी मिली है। आप देखिए कि तुरंत उनका भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आ गया कि जो चोर है उन्होंने चौकीदार चोर नजर आता है। आप देखिए इसका कितना राजनीतिक उपयोग हुआ, अब आज से भाषणों के मुद्दे बदल जाएंगे और ट्वीट करने के तरीके तो बदल ही गए, बयानों के मुद्दे बदल जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। यहाँ एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि इसमें कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला था 3600 करोड़ का, उसमें रिश्वत के लेन देन के मामले में भी उनसे पूछताछ हुई है, ईडी ने की है, प्रवर्तन निदेशालय ने। दो दिन से दिल्ली में सारा घटनाक्रम चल रहा था और अचानक ये शिफ्ट होता है मध्य प्रदेश की तरफ और कमलनाथ के ही करीबी लोगों को उसमें निशाना बनाया जा रहा है, तो ये क्या संदेश देता है? देखिए कमलनाथ जी बड़े सदे कदमों से आगे बढ़ रहे थे, उनको जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था यहाँ कांग्रेस गुटों में बटी थी, उन्होंने पीसीसी में लगातार 3 महीने बैठकर कांग्रेसियों को एकजुट किया, पिछड़ा वर्ग और सब संगठनों सामाजिक संगठनों से बात करके 15 साल की सत्ता हटाई थी, और ये भी एक लग रहा था कि वो कुछ तो प्लस करेंगे। अभी आज कांग्रेस की 3 सीटें हैं तो 9-10 सीटों की तो बात हर कोई राजनीतिक समीक्षक तक स्वीकारने लगे थे, स्वयं कांग्रेस ही 15 और 20 सीटों की बात कर रहे थे। ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका माना जाएगा, इसको आप अब कितनी सफाई देंगे, क्योंकि अपने यहाँ तो एक बार जो संदेश जाता है, माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़बरदस्त है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब जो घर घर चाय चौपालों और पान के टपरों पे जो बात होगी वो यही होगी कि देखो कितना 3 महीने में भ्रष्टाचार हुआ। आपने एयर स्ट्राइक का देखा कि कोई सबूत अभी तक नहीं ऐसे आए, लेकिन एक बार जो हो गया तो मोदी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान नहीं था बहुत भारी पड़ेगा। आप ये बातें आज भी लोग जो बहुत भक्त लोग मिलते हैं तो वो यही कहते हैं, देश को सीधा मोदी से जोड़ते हैं, सेना से जोड़ते हैं। तो एक बार जो होता है युद्ध में जो पहला हमलावर होता है, अपने यहाँ कहते हैं कि आक्रमण ही बेहतर सुरक्षा है, तो जो पहला अटैक करता है उसके लिए बहुत फायदे मिलते हैं राजनीतिक चुनाव में, मैदान में या युद्ध हो। तो राम बाबू जी एक तरह से एंड टाइम पे जो अटैक किया है इससे संभाल पाई कांग्रेस तो ही कुछ हो पाएगा। बिल्कुल राम बाबू जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है उससे वाकई कांग्रेस पर सवालिया निशान लग रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साधा है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कि चोरों को चौकीदार चोर नजर आता है। अब इसका जवाब कैसे देंगे आप इंदौर में, या जैसा कि अभी कहा दुबे जी ने मालवा बेल्ट में कैसे जाएगा? देखिए अपन अगर एक इसको स्वस्थ वातावरण में चर्चा को ले जाएं और राजनीति द्वेष की भावना से हटके अगर हम इस विषय पर चर्चा करें तो आप देखिए जो शहर के या प्रदेश के या देश के जो प्रतिष्ठित व्यवसायी होते हैं या उद्योगपति होते हैं या सर्विस इंडस्ट्री वाले होते हैं, कभी भी इनकम टैक्स हो या कोई अन्य डिपार्टमेंट हो, उनकी निगाहें वहीं होती हैं। जैसे होली दिवाली पे आप एक बड़ी साधारण सी बात है कि साहब मावे में मिलावट और घी में ये और फलाना, तो सबसे पहले मनोहर डेयरी का नाम भोपाल में आता है। तो ये मैं समझता हूँ चुनाव पूरे देश में है, अगर ये निष्पक्ष कार्रवाई थी तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं की गई, एक छोटा सा प्रश्न। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो खुद गले से सराबोर भ्रष्टाचार में बड़े हों, यदि इतिहास पूरा खंगाला जाए तो व्यापम से बड़ा, राफेल से बड़ा इतिहास में घोटाला आज तक नहीं हुआ। अब तुम मोड़ नहीं सकते भरी भीड़ में चरण किसी के, अब तुम मोड़ नहीं सकते भरी भीड़ में चरण किसी के, क्योंकि तुम्हारे खुद के चरण गलत हैं, सारे के सारे आचरण गलत हैं, जीवन तो जीवन मरण गलत है। और रहा सवाल चौकीदार का, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस देश को न जाने क्या हो गया,
इस देश को न जाने क्या हो गया, देश का विकास ही कहीं खो गया, रोजगार तकनीकी व आर्थिक विकास गुमशुदा हो गया और गुमशुदा की तलाश में निकला जो मोदी वो खुद ही गुमशुदा हो गया, वो खुद ही गुमशुदा हो गया। बहुत अच्छी बात। ये चौधरी जी आपने सुना कि गुमशुदा हो गए और गुमशुदा होने के बाद भी ये जो चोरी छुपे ब्लैक मनी पे स्ट्राइक चल रही है, छापामार कार्रवाई वो भी रात को 2:30 बजे, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को आपने डरा दिया है, मध्य प्रदेश के जो IAS IPS IFS अफसर हैं उन सबको डरा दिया है, बाबू डरे हुए हैं, मंत्री के स्टाफ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो डरे हुए हैं कि पता नहीं भैया ये क्या करने वाला है। देखिए, ईमानदार आदमी को कभी भी कहीं डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भ्रष्ट है बेईमान है वो डरेगा। कांग्रेस का इतिहास है जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक का, जो अगस्ता जी जमानत पे इनके और ये दूसरे को मोदी को चोर कहते हैं, इनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। नहीं डरने की बात तो डरेगा, वही फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो तो ये बेईमानी की है, ये चोरी की है। नहीं, सवाल ये है कि ये एग्रेसिव कार्रवाई जो समय चुनकर की गई है, इससे तो कांग्रेस का मालवा में पूरा आपने जिसको कहें छवि धूमिल कर दी कि देखिए इनके OSD इनके निसचिव इतने पैसों के साथ पकड़े जा रहे हैं, इनके भांजे ऐसे पकड़े जा रहे हैं, अब इसकी क्या सफाई देगी कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात है आप तो अब इसको बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे भाई, ये तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है पार्टी को। और दूसरा ये है कि इतनी भारी रकम होना ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, तिवारी जी बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये रकम वहाँ मुख्यमंत्री के निवास पे इतनी रकम की क्या था? मुख्यमंत्री निवास पे नहीं, उनके 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 सॉरी हाँ उनके सचिव के यहाँ पे। तो ये एक और एक अधिकारी के यहाँ पे ऐसा इतना पैसा मिलना, कोई व्यवसायी हो तो समझ में आता है कि चलिए भाई। नहीं तो पर ये तो कोई लेकिन अब वो मान कह रहा हूँ कि पर मान लीजिए वो जो भी कुछ हुआ घटनाक्रम, बीजेपी तो बचाव की मुद्रा में नहीं है और ना ये कह रही है कि ठीक है भाई अगर आप पकड़ा गया है तो आपको मैदान में आना चाहिए सामने, सफाई देना चाहिए उसका हिसाब। अरे आपको भी तो आना चाहिए। हम क्यों आएंगे भाई, हमने थोड़ी चोरी की है जो कर। अरे आप बोलेंगे ना कि इतना पैसा कहाँ से आया, आप पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे, जनता पूछेगी, आयकर विभाग पूछेगा, सारे जितने भी। अब इसके लिए भी कोई पहले चाय पे चर्चा कर रहे थे, अब फिर चौकीदार पे चर्चा, अब कुछ नई चर्चा शुरू होगी क्या? बिल्कुल करेंगे, जरूरत लगेगी इसको भी हम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे। अभी तक आपके प्रदेश कार्यालय में तो किसी का आता पता नहीं है, सब बैठे सब अपना काम कर रहा है सब। चलिए देवदत्त जी, क्या लगता है आपको, इशू तो बहुत अच्छा आ गया केंद्र से और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ बीजेपी जो है वो गुटों में बिखरी हुई है, तो आपको लगता है कि जैसे पहले कांग्रेस में माहौल था कि गुटबाजी ज़्यादा थी जिसकी वजह से 3-3 विधानसभा चुनाव लगातार आ रहे, आज वही स्थिति बीजेपी में बन रही है कि शिवराज का गुट जो है वो इतना हावी है बाकी गुटों पे कि वो कोई सर्वाइव ही नहीं कर रहा है। अब तो प्रदेश कार्यालय में अगर आप चले जाएं तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 10 कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आज बीजेपी कार्यालय यदि आप दिन भर बैठोगे तो कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखें कितना असंतोष चल रहा है, चाहे वो रीति पाठक का सीधी में हो, शहडोल में हिमाद्री का हो, बालाघाट में भगत का हो, लेकिन ग्वालियर में जहां घोषित हो रहा है वहां विरोध है और जहां बाकी जगह वो कर नहीं पा रहे इस चक्कर में, लेकिन कोई अभी तक उस विरोध को शांत नहीं कर पाया है। अनुशासन के लिए जाने वाली पार्टी आज अनुशासनहीनता के लिए सुर्खियों में, और कांग्रेस में जो 15 साल बाद स्थिति आई थी, 10 साल बाद आई थी, वो 3 महीने बाद भाजपा में आ गई। आप किसको दोषी ठहराएंगे, किसको कहेंगे, जब कोई जवाबदार है ही नहीं। पहले भाजपा कार्यालय में कोई जिले का नेता आता था तो वहाँ एक जिम्मेदार आदमी पूछता था कि आपके यहाँ क्या चल रहा है भाई, उसको ठीक करो, ये कैसे चुनाव जीतोगे, लेकिन आज ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है, जो आता है अपनी व्यथा सुना के चला जाता है, लेकिन किसी को सुनने वाला नहीं है वहाँ। कांग्रेस जैसी परिस्थिति प्रदेश में तो बन गई भाजपा की, लेकिन अंतर केवल इतना है कि उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इतना सक्षम और सुदृढ़ नहीं था कि वो अपने हाथ में सूत्र लेके परिस्थिति सुधार सके। भाजपा में अभी एक ये ठीक है कि मोदी और शाह इतने वजनदार हैं और इतना उनका रुतबा है पार्टी में कि वो सीधे सूत्र अपने हाथ में ले रहे हैं। उन्होंने पालक संयोजकों की जो बूथ वार कमेटियाँ गठित की हैं, पालक संयोजक बनाए हैं, तो हर विधानसभा में उन्होंने बूथ लेवल के सम्मेलन करवा दिए और सीधे चुनाव प्रचार सामग्री दिल्ली से सीधे बूथ तक जा रही है। प्रदेश से कोई सामग्री न छपना है न प्रदेश का कोई हस्तक्षेप है, वो समझ गए हैं पिछले विधानसभा चुनाव में जो प्रदेश को फ्री हैंड दिया था उन्होंने, टिकट वितरण से लेके पूरे चुनाव
संचालन था, लेकिन उसके बाद वापसी नहीं कर पाई। तो आप देखेंगे कि अभी तक 15 साल जो टिकट बांटते रहे, 13 साल पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक शिवराज जी चौहान जी, आज वो विदिशा का टिकट पत्नी के लिए नहीं करा पा रहे हैं। तो ये इससे समझ में आता है कि कितना ऊपर से सीधा नियंत्रण है पार्टी का, और पार्टी जिस तरीके से चुनाव में जाने वाली है, आप देखिए अब उनकी धुआंधार सभाएं होंगी। और जो मोदी का तरीका है, आप चाहे नोटबंदी हो, चाहे आधी रात में GST के लिए लोकसभा हो, और चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे जी अब छापा हो, वो एक धमक में पूरा संदेश बनाते, एक विस्फोट करते हैं। आपको लगता है कि इससे अधिकारी वर्ग जो है वो भी थोड़ा सा डर जाएगा कि पता नहीं क्या होने वाला है? अधिकारी नहीं, जो भी सत्ता के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, कुछ और भी संगठन हो जो सत्ता के, चाहे सत्ता किसी की भी हो जो इसके इर्द गिर्द, उस समय ये भय होगा। और आप देखना मुखरता से कोई, पर इस भय का कहीं ऐसा तो नहीं नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाए, सब लोग एकजुट हो जाएं जितने भयाक्रांत लोग हैं? लेकिन इनकी संख्या साफ कम होती है। आपने देखा होगा कि नोटबंदी में जब अमीरों के पैसे जब्त हुए थे तो गरीब ताली बजा रहा था, लाइन में लगे लगे भी खुश था उस समय, क्योंकि अपने यहाँ अपना दुख से ज़्यादा दूसरे का सुख दुखी करता है, सामने वाला सुखी क्यों है, यही तो दुख है लोगों का। तो बिल्कुल शर्मा जी बताइए, ये जो टिप्पणी है कि सामना वाला जो है वो सुखी है, इसके लिए अगला दुखी रहता है, ये अक्षरशः सत्य है। उसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि मात्र 3-4 महीने की जो सरकार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी चला रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अर्थात दूसरों का सुख देख के उनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये कार्रवाई निश्चित रूप से उसी द्वेष भावना से प्रेरित होकर की गई है, अन्यथा मैं आपको बताऊं, जो इनसे इनके भ्रष्टाचार पे या इनकी कुनीतियों पे प्रश्न कर लेता है, कुरीतियों पे प्रश्न कर लेता है, चाहे वो NDTV के रवीश कुमार हों, या अभी हाल ही में परसों आपने भी न्यूज़ देखा ABP पर, बल्कि कल की बात है, न्यूज़ पर जब मोदी जी का 1-to-1 आ रहा था, सुमित अवस्थी जी और रवीना जी इंटरव्यू ले रहे थे, जैसे रुबीना जी, तो जैसे ही उन्होंने राफेल पे प्रश्न किया तो मोदी जी ऐसे भड़क गए जैसे उनकी दुखती रख पर हाथ रख दिया गया हो। तो देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से मीडिया पे टिप्पणी करना और उन्हें प्रश्न करने के लिए रोक देना, ये कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देता। बिल्कुल शर्मा जी, पर एक बात और उठती है कि अब उन्होंने जो किया है वो सामने है, पर विपक्षी जो दल हैं उनको जिस तरीके से स्ट्राइक किया जा रहा है या उनको टारगेट बनाया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जब आपकी रीढ़ ही जो है वो टूट जाएगी? नहीं देखिए, रीढ़ टूटने का प्रश्न वहाँ होता है जहाँ पे जनता के विरोध में हम कोई कार्रवाई करें। जनता के लिए जहाँ तक सवाल है, तो आप इस बात की पुष्टि करेंगे कि माननीय कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की हैं वो इतने कम समय में रहते हुए आज तक कोई मुख्यमंत्री इतिहास में मध्य प्रदेश का नहीं कर पाया पूर्ति, तो उसका मैसेज जो जनता में जा रहा है वो जनता सब समझती है। पर और जनता ये भी समझती है, आपको रोकना चाहूंगा कि जनता खासतौर पर किसान, एक बड़ी आपने घोषणा की किसान कर्ज माफी की, एक तो 55 लाख किसान थे, आपने 25 लाख किए, अच्छी बात है, आधे हुए हैं अभी, वो भी पूरे नहीं हुए हैं पैसा उनका। और दूसरा किसानों की जो उपज खरीदने की बात है, आज आप किसी भी मंडी में चले जाइए, कम से कम 1,000-1,500 इतनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाइन में लगी हुई हैं, किसान 2-2 दिन 3-3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी फसल की तुलाई नहीं हो रही है, पैसे का तो अभी आता ही पता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये अराजकता किसी ने जानबूझ के पैदा की है या कांग्रेस इस मैनेजमेंट को संभाल नहीं पाई? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आदरणीय प्रकाश जी, आपसे प्रदेश के फंड की स्थिति छुपी हुई नहीं है। और जहाँ तक प्रश्न है नियत का, तो नियत पे कमलनाथ जी की या मध्य प्रदेश शासन की शक करना मैं समझता हूँ बेबुनियाद बात है। अगर नियत सही नहीं होती तो शायद 25 लाख के प्रति भी जो व्यवस्था की गई वो भी नहीं होती। रहा सवाल नियत नहीं, अराजकता है ये, तो वो तो चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। हम खरीदी में या लाइन लगी हुई है किसानों की, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रश्न ये करना चाहता हूँ, क्या ये ऐसी कतारें भारतीय जनता पार्टी के समय पे नहीं लगती थी?
क्या ये कतारें नहीं थी? बताइए। उस समय भी ये कतारें थी, लेकिन उस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी शासन में थी तो वो इन सब व्यवस्थाओं को दबाती थी और आज उठाती है, और ये राजनीतिक भावना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या मंडी कर्मचारी क्या है, किसानों को लेट बरसाते थे उस समय? मेरी बात का, मेरे कांग्रेसी साथी इस बात का भी जवाब दे दें कि अराजकता आज इससे पहले थी, सब व्यवस्थाएं जो थी उसी के हिसाब से चल रहा था, तो क्यों कर्मचारियों ने किसानों पर लट बरसाए? देखिए, कर्मचारियों पर लट बरसाने की कोई घटना किसी पर्टिकुलर विषय पे जब आप वहाँ जाके मालूम करेंगे, कोई अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आपको भी कुछ ना कुछ उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। ये व्यवस्था है, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि उनको जाके लट बरसा दो, उनको बोल रहे हैं आपका क्रम है, टोकन इशू किए गए, उस टोकन के जरिए आप अपनी गाड़ी लाइन पे खड़ी करिए। पर शर्मा जी, आपको गोली बरसाई तब आपको मैं नहीं थी। मैं शर्मा जी ये पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर ये कुप्रबंधन का नतीजा है, कांग्रेस तो चाहती है उसकी नीति नियत ठीक है, नेताओं की भी ठीक है, पर जो अफसर और कर्मचारी इस काम में लगे हैं उनकी सही ढंग से क्या मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, या उनको निर्देशित नहीं किया गया है कि भाई अच्छे से काम करो ताकि किसान परेशान ना हो? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए क्या है, वचनबद्धता पूर्ण करने और जो सारी पॉलिसीज बनाना, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, उस सारी व्यस्तताओं के बीच ही लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो जाना, तो कहीं ना कहीं जो अफसर हैं या जो ब्यूरोक्रेसी भी है वह और सरकार दोनों कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाओं को जमा रही है। जो 15 साल में कुछ नहीं कर पाए वो 3 महीने 4 महीने का हिसाब मांगने का मेरे हिसाब से कोई प्रश्न या हक ही नहीं रखते। बिल्कुल दुबे जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ बन रही हैं कि एक तरफ तो छापेमारी, दूसरी तरफ किसान जो है वो अब गुस्से से उबल रहा है, तीसरा एक और मुद्दा आ रहा है जल संकट का, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। अशोकनगर, गुना, ये जो खासतौर पर बुंदेलखंड या आप ये कह सकते हैं कि ग्वालियर चंबल का जो हिस्सा है वहाँ पानी का भारी संकट हो रहा है, और जिला कलेक्टर जो है आराम फरमा रहे हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी एसआर मोहंती जी ने ये 1 जनवरी को ही बैठक लेकर अधिकारियों को बताया था कि इस दिशा में आप सोचें, पर कलेक्टर एसपी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये आपने बहुत सही बात उठाई है, आज नदियाँ सूख गई, पशु पक्षी और जानवर आज प्यास से मर रहे हैं जंगलों में, और आने वाला समय बहुत भयावह होगा। जबकि राजनीतिक दलों को अपनी वोट की चिंता पड़ी है और प्रशासन को चुनाव सही संपन्न कराने की, लेकिन जब मानव जीवन रहेगा तब तो चुनाव होंगे, तब वोट होगी, तब शासन और प्रशासन चलेगा, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बुंदेलखंड में ज़बरदस्त सूखा इस समय, नदियाँ सूख गई हैं, हैंडपम्प का जल स्तर नीचे चला गया है, कुओं में पानी नहीं है, अभी से परिवहन होने लगा है। आप भोपाली का देख लें तो झील कितनी सिकुड़ गई है, चाहे कोलार डैम की हो चाहे बड़ी झील हो, तो संकट चौतरफा है और भयावह संकट है। इस पर यदि साथ साथ में काम नहीं किया, खासकर प्रशासनिक मशीनरी को, तो ये एक तरह से अकाल की तरफ बढ़ रहा है प्रदेश, और ऐसा संकट होगा जिस पे फिर वोट क्या, आदमी अकबकाना घूमेगा, फिर वो नोटा दबाएगा, और फिर किसको गुस्सा किस पे निकलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ अनिल जी आपसे ये बात के, चूँकि जनप्रतिनिधि इस समय ज़्यादातर आपके हैं, क्योंकि 26 सांसद आपके हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो फील्ड में घूम घूम कर जनता को इस बात से अवगत कराते कि भाई ये प्रबंध हमने करे हैं, ये नहीं करे हैं? सरकार कांग्रेस की बन गई, इससे कुछ थोड़ी होता है, विधायक उनके हैं पर सांसद तो आपके हैं, ये क्या कर रहे हैं सबके सब? ठीक है, आपका कहना क्या है कि इस बार सामान्य बारिश से कुछ कम हुई, तो ये एक स्वाभाविक रूप से ऐसा पानी की किल्लत हो रही है, सभी जगह हो रही है, मैं इस बात से पूर्ण तरह से आपसे सहमत हूँ, परंतु पर इंतजाम तो करने के लिए उनको पहल करनी चाहिए ना। कर रहा है, लेकिन कहीं चुनाव अच्छे से, अरे क्या पहल कर रहे हैं आप बताइए, कि आपके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये घोषणा थी कि हर किसान के खाते में हम 6,000 सालाना डालेंगे, ठीक है? अब मध्य प्रदेश के लोगों को एक भी किस्त नहीं मिली है, वो सारे किसान जो है इसके लिए तो माननीय कमलनाथ जी को, आपके भी तो सांसद हैं, आपके भी तो सांसद हैं, अगर कोई विदिशा के सांसद, अगर होशंगाबाद के सांसद ये रिपोर्ट नहीं भिजवाते हैं केंद्र में कि साहब हमारे यहाँ इतने किसान हैं, इनको आप
जो सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि, वो आप दे दीजिए, तो वो दे ही नहीं पा रहे हैं। केंद्र कह रहा है कि नहीं, वो तो पूरी आएगी तब देंगे हम, ये है क्या? इससे तो किसान आपसे भी नाराज होगा। तिवारी जी, क्या है, व्यवस्थाओं से चलना पड़ता है। यहाँ से राज्य शासन जब तक नहीं उसको करेगा तो वो वहाँ से कैसे रिलीज कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी मान्य आपने कहा कि प्रदेश कार्यालय में कोई नहीं है, चुनावी वर्ष है, प्रदेश कार्यालय में बैठ के बैठे नहीं नहीं सब अपने हमारे पन्ना प्रमुख से लेके तो बूथ अध्यक्ष तक सब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, अदृश्य तौर पे निभा रहा है, अदृश्य नहीं फील्ड में काम कर रहा है। आप बैठ के थोड़ी काम होगा प्रदेश कार्यालय में, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, जनता को भी नहीं दिखाई दे रहे, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम आपके बड़े सारे लोग सारी जिम्मेदारी पूरी तो लीजिए, हम इतने कर्तव्य और ऋणी है जनता के बतौर कि मतलब मिस्टर इंडिया की तरह हो गए, दिखाई नहीं दे रहे पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करते रहिए आप। यहाँ शर्मा जी आपसे ये सवाल कि चूंकि अब कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ नहीं था, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें 29 सीटों की, 3 सीटें थी आपके पास, आप आपको बढ़ना ही था इससे आगे, पर अब ये सब घटनाक्रम सामने आते जा रहे हैं, तो उन घटनाक्रमों के चलते ये इजाफा हो पाएगा या जनता फिर से जो है वो इन लोगों की तरफ रुख कर ले? देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ड्रामा जिसमें बहुत अच्छे अभिनेता हमारी भारतीय जनता पार्टी में अनेकों हैं, एक नहीं है, जिसकी अगर हम बात करें तो 1+1 की स्कीम में पूरा देश चल रहा है, जिसे हम मोदी जी और अमित शाह कह लें। आज आप अनिल चौधरी जी बगल में बैठे, मैं कहता हूँ 10 केंद्रीय मंत्रियों के नाम गिना दें, 10, चलो मैं यहाँ मान लूंगा कि ये पूरे भावना से देश की राजनीति कर रहे हैं। ये तो गिना देंगे भाषा वाले, गिनाए बोले, चलिए मैं खुली छूट चुनौती दे रहा हूँ बोले, क्योंकि सिर्फ 2 नाम के बाद बहुत याद आ गया। हाँ। तो जेटली जी और सुषमा स्वराज याद आ जाएंगे। हाँ। लेकिन कहाँ है हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, कहाँ है हमारे मुरली मनोहर जोशी, कहाँ है जसवंत सिंह, कहाँ है हमारे शत्रुघ्न सिन्हा? क्यों ये बुजुर्गों का और गुरुओं का सम्मान का दुआई देने वाली पार्टी जो आज हाशिए पे इन्हीं प्रश्नों को लेके खड़ी हुई है? इसलिए जनता सब समझती है और जनता पुनः मध्य प्रदेश में हमारे सांसद जो हमारा एक कल्पना है, हमारी इमेजिनेशन है, हमारा अनुमान है, निश्चित रूप से हम चुनाव के बाद बैठेंगे और हमारे 20 सांसद यहाँ पर होंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी भोपाल सीट से डिक्लेयर हो गए। हाँ। और उन्होंने पूरी लोकसभा में एक एक जगह जनसंपर्क जन जन से गांव गांव कर लिया। आज तक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का पता नहीं, आधी हार तो यही हो गई। बिल्कुल दुबे जी, आपसे हमारा कैंडिडेट ठीक है, हम चुनाव, अनिल जी रुकिए, चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ते हैं, हमारे पास समय की कोई विशेष नहीं है। अनिल जी ठीक है, दुबे जी मैं आपसे अंतिम टिप्पणी चाहूंगा कि ये सब घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस अपनी सीटों में इजाफा जो मनवांछित था उतना हो पाएगा इनके या नहीं हो पाएगा? देखिए अभी थोड़ा सा प्रत्याशी सभी आ जाने दीजिए, अभी पूरी प्रत्याशी भी नहीं आए हैं और घटनाक्रम देखो आप तेजी से बदलते, कल के बाद आज परिस्थिति दूसरी हो गई, जिस मैनेजमेंट को कांग्रेस ने तय किया होगा आज वो तितर बितर हो गया मैनेजमेंट। तो अंतिम जो होता है जब मतदान के एक दिन पहले जो माहौल उसको समेट लेता है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही है 20 से ऊपर वो तो संभव नहीं है, लेकिन 3 से ये कुछ बढ़ेंगे ये तय है और मुझे लगता है कि 10 के आसपास ये आ सकते हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति आज से बदलना शुरू हुई है ये तो अब चुनाव का आज पता चले कौन कितने नंबर, और अभी भाजपा के गढ़ों में भाजपा के प्रत्याशी। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अगर मैं जनता की लिहाज से बात करूँ तो वाकई मुद्दे तय होने में समय लगता है, और दूसरी बात ये कि मतदान की तिथि आते आते तक कई चीज़ें बदल जाती हैं, और ऐसे में जो नंबर गेम है सीटों का वो किसके पाले में जाएगा ये जनता तय करती है हमेशा से, परंतु एक जो हवा बनती है और एक जो आधार बनता है वो अलग ही होता है, वो अभी शायद बना नहीं है, और उसकी शुरुआत आज से जो की है भाजपा ने वो अपने आप में चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि बीजेपी इससे इनकार कर रही है, वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है। इन सब के बीच हम भी ये समझ सकते हैं कि निसंदेह ये शासकीय कार्रवाई है, आचार संहिता चुनाव की लगी हुई है उसकी कार्रवाई है, तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होगा ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, पर दर्शक सब जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है और बीजेपी ने पिछले सालों में क्या किया है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेवाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर।